मध्य प्रदेश के बैतूल में गंज थाना इलाके में 18 दिन पहले शिक्षक दंपत्ति के घर हुई चोरी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज दंपत्ति बच्चे सहित धरने पर बैठ गए। दंपत्ति ने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस लापरवाही से साफ इनकार कर रही है। शहर के सदर इलाके में डॉन बास्को के पास उदय परिसर फेस वन में पिछले 10 दिसंबर को शिक्षक प्रभाकर पवार के घर दरवाजे की चौखट काट कर चोर घर में रखे 7 लाख रुपए कीमत के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए थे। आरोप है कि पुलिस ने वारदात के 13 दिन बाद FIR दर्ज की। अब तक 18 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं हाथ लगा। नाराज शिक्षक, उनकी शिक्षिका पत्नी और 2 छोटे बच्चे चोरी पर कार्रवाई ना होने से जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। तारीख रात में चोरी हुई और जिसकी FIR लिखाने में थाने पहुंचा, लेकिन मेरी 13 दिन तक FIR नहीं लिखी गई और आज 18 दिन हो गए हैं। मुझे मतलब चोर को पकड़ने का कोई सुराग दिख नहीं रहा है और जिस व्यक्ति को मैं संदिग्ध बता रहा हूँ, जिसकी मैंने 10 दिन तक एक्टिविटी नोट करके उसके पीछे रहा हूँ, और वही व्यक्ति मुझे 6:15 बजे मेरे घर से जाते हुए कार में बैग रखते हुए देखा, और व्यक्ति मेरी नज़र में क्या पूरी कॉलोनी वालों की नज़र में संदिग्ध है। मेरे तो पूरे जेवर चले गए हैं, जो एक एक पैसा जोड़ के मैंने जिन जेवर को बनाई थी पेट काट काट के, वो पूरे जेवर लोंग से लेके बड़े हाथ तक पूरे चोरी चले गए, करीबन 7 लाख के करीब गए हैं। और पुलिस ठंडे बैठी हुई है, कोई काम नहीं करना चाहती है। वहाँ जाते हैं हम लोग तो भगा देती है हमको कि हम कर रहे हैं कर रहे हैं। 18 दिन तक हो गए, कोई परिणाम नहीं निकले, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। उसमें प्रयास रहते हैं हम लोग, और इनने जो संदिग्ध बताया था उससे भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी विवेचना में है। इनकी FIR हो चुकी है और जल्दी खुलासा करेंगे। इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र से शीघ्र खुलासा करेंगे।